बात अगर सेफ्टी की हो और हम बात टाटा की ना करें तो ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमारे देश में सबसे सेफ और सबसे मजबूत कार बनाती है टाटा कंपनी, और यह है टाटा की सबसे मोस्ट ब्यूटीफुल एंड मोस्ट सेफेस्ट माइक्रो एक्सयूवी, जिसका नाम है टाटा पंच एडवेंचर। आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। तो खमा गणिया देरी सज्जनों, मेरा नाम है श्याम चौहान, यू वॉचिंग एसके कार वर्ल्ड एंड यू दिस इज द टाटा पंच एडवेंचर। यह है टाटा पंच की चाबी, और एक इसके अंदर मिलती है रिमोट की और एक इसके अंदर मिलती है नॉर्मल की। ठीक है, अभी हम बात करते हैं टाटा पंच के डिज़ाइन लैंग्वेज की। देखो, इसकी जो डिज़ाइन लैंग्वेज है वो टाटा ग्रुप से काफ़ी रिजेंबल करती है, जैसे कि आप इसको जो डिज़ाइन लैंग्वेज है काफ़ी हैरियर से इंस्पायर्ड लगता है। और यह है देखो इसकी हेडलाइट, जो कि हेलोजन बेस है, लो बीम और हाई बीम का यही काम करती है। और यह है इसके DRLs जो कि हेलोजन में, बिकॉज ये बेस मॉडल है यानी कि एडवेंचर मॉडल है। और यह है इसके इंडिकेटर, ये भी हेलोजन के अंदर है। यह इसका बम्पर है, और ये जो है टोइंग हुक की जगह यहाँ पे दी गई है। फॉग लैंप इसमें नहीं आते, फॉग लैंप आप आफ्टर मार्केट लगा सकते हो। और ये इसकी है जो वेंट्स हैं उसके लिए ये दिया गया है। और ये है टाटा का बड़ा सा लोगो, और यहाँ पर जो है ये है इसका हॉर्न, जो कि आवाज़ भार आई इसलिए यहाँ पर ये डिज़ाइन दिया गया है। इसके बाद बात करते हैं इसके डिज़ाइन की। तो देखो, डिज़ाइन जो है ये काफ़ी हद तक हैरियर से रिजेंबल लगता है। ये जो हम्प है ये काफ़ी उठा हुआ है, जिससे कि ये बहुत ही ऐसे बल्कि लगती है, और ये बहुत ही बड़ी गाड़ी लगने की लगती है, ये इसमें दिखाया गया है। और ये है इसके टायर्स, जो कि हैं स्टील टायर्स और स्टील रिम के साथ आते हैं। और ये है इसकी व्हील कैप, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल बनाई गई है। आपको जब आप देखोगे इसे तो आपको लगेगा नहीं कि ये जो व्हील कैप है या फिर अलॉय टायर्स हैं, ये आपको बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से दिया गया है। साइड प्रोफाइल की बात करें तो वही हैरियर से इंस्पायर्ड, और बिकॉज ये अल्ट्रोज के प्लेटफॉर्म पे बनी है तो इसका जो कुछ जो पार्ट्स हैं वो अल्ट्रोज से इंस्पायर्ड हैं, जैसे कि ये इसके पीछे के डोर हैंडल जो कि यहाँ से खुलते हैं, और अंदर भी एक दो चीज़ें हैं जो कि अल्ट्रोज से इंस्पायर्ड हैं टॉप मॉडल में। और यह है इसकी लाइट, जो कि हेलोजन बेस है, ये इसके इंडिकेटर हैं। और पीछे कोई फॉग लैंप नहीं मिलता है, पीछे का आपको ये रिफ्लेक्टर मिलता है। और यह है इसकी बैक लाइट, और यह है इसका हाई स्टॉप लैंप। वोकल फॉर लोकल की बेजिंग मिलती है, बिकॉज टाटा इंडिया की कंपनी है तो वोकल फॉर लोकल की बेजिंग यहाँ पर आपको मिल जाती है। और यह है इसका फ्यूल टैंक, और ये इसके डोर हैंडल हैं आगे के फ्रंट डोर के। और ये है इसका ORBM, जो कि अंदर से ही एडजस्ट हो जाएगा। और ये है इसके इंडिकेटर, जो कि आपको ORBM पे ही मिलते हैं। ये है इसके वाइपर, और आगे से इसका लुक जो है वो कुछ ऐसा है। अब बात कर लेते हैं अंदर की, तो चलिए अंदर चलते हैं और देखते हैं इसके अंदर क्या क्या फीचर्स दिए गए हैं। शुरुआत करते हैं हम पीछे के डोर से। पीछे के डोर का आपको स्पेस दिखाता हूँ। देखिए, ये यहाँ से अल्ट्रोज की जैसे यहाँ से खुलेगा, और ये इसकी कुछ डोर ट्रिम्स हैं, और जैसे कि यहाँ पर आपको ट्विटर और ये फोर ट्विटर का आपको इसमें सेटअप मिलता है। यहाँ पर वाटर होल्डर मिलता है, और ये आपको पावर विंडो का बटन मिलता है। यहाँ पर कॉइंस रखने के लिए कुछ जगह मिलती है। मटेरियल की बात की जाए तो हार्ड प्लास्टिक है, लेकिन बहुत ही ब्यूटीफुल और बहुत ही सेटिस्फाइंग मटेरियल का यूज़ किया गया है। चलिए बात कर लेते हैं इसके गाड़ी के अंदर की। यह टाटा पंच की सीटिंग पोजिशन, और इसके थाई स्पोर्ट की बात करते हैं तो थाई स्पोर्ट काफ़ी बेहतरीन है, और ये सीट ना कुछ ऐसे उठी हुई है जिसकी वजह से आप उसके अंदर थाई स्पोर्ट की कोई भी कमी नहीं होगी। डोर को कर लेते हैं बंद, और ये सीट जो है ना ये आगे वाली है मेरे हिसाब से एडजस्ट है। और देखो कितना नी रूम और कितना लेग रूम है, बहुत ही खुला खुला, और हम्प जो है ना वो बिल्कुल ना के बराबर है हम्प इसके अंदर। और हेड रूम की भी बात कर लेते हैं तो हेड रूम भी काफ़ी है, मतलब अगर आप ऐसे थोड़े से स्लाइड होकर बैठोगे तो बहुत ही ज़बरदस्त हेड रूम है। तीन लोगों की बात करें तो तीन लोगों की बैठने की पोजीशन ऐसी है कि
हाँ इसमें दो अडल्ट और एक बच्चा आराम से बैठ सकता है, बिकॉज वैसे तो इसमें तीन अडल्ट भी बैठ सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर हम्प जो है ना वो बिल्कुल ना के बराबर है। और यह है फिक्स्ड आर्मरेस्ट, सॉरी यह है फिक्स्ड हेडरेस्ट, और यह है इसकी पार्सल ट्रे। ठीक है, ग्रैप हैंडल यहाँ पे दिया गया है और एक ग्रैप हैंडल यहाँ पर भी दिया गया है। इसके अलावा यहाँ पर आपको कोई भी किसी भी प्रकार का एसी वेंट नहीं मिलता है और ना ही आर्म रेस्ट मिलता है, बिकॉज इट्स एडवेंचर। और यह है इसका आगे का डैशबोर्ड, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से डिज़ाइन किया गया है। क्योंकि देखिए ये जो गाड़ी है ना, इसकी जो फिट एंड फिनिशिंग लेवल जो है ना वो बहुत ही ज़बरदस्त है टाटा की किसी भी और गाड़ी से। कैसे है वो मैं आपको आगे चलकर दिखाता हूँ। अब चलिए फ्रंट डोर की तरफ चलते हैं। ये इसका फ्रंट डोर है, ये देखो आपको ना एक चीज़ दिखाता हूँ। ये इसका फ्रंट डोर है और ये है इसका बैक डोर, जो कि फुल ऑफ फुल 90 डिग्री पर ओपनिंग होता है, क्योंकि ये अल्ट्रोज के प्लेटफॉर्म पर बनी है, तो फुल ऑफ फुल 90 डिग्री की इसकी ओपनिंग है चारों डोर की, क्योंकि इसमें आपको बैठने और उतरने में बिल्कुल भी परेशानी होगी, क्योंकि बहुत ही वाइड ओपन होते हैं। फ्रंट डोर ट्रिम की बात की जाए तो ये इसके हैं चारों पावर विंडो, ये इसके ORBM के कंट्रोल, ये इसका लीवर है, यहाँ पर थोड़ी स्पेस है, यहाँ पर भी स्पेस है, ये वाटर होल्डर है, और यहाँ पर आपको एक प्रॉपर अम्ब्रेला होल्डर भी दिया गया है। मटेरियल की बात करें तो वहीं हार्ड प्लास्टिक पर बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से इन्हें लिया गया है। मटेरियल जो क्वालिटी है वो बहुत ही ज़बरदस्त और ब्यूटीफुल है। ये इसकी सीट्स हैं, सीट्स का थाई स्पॉट पहले हम देख लेते हैं। थाई स्पॉट सच बताऊं तो बहुत ज़बरदस्त है, बिकॉज ये जगह और उसके बाद ये जो सीट ना ये ऐसे उठी हुई है, जिसकी वजह से इसका थाई स्पॉट बहुत ही ज़बरदस्त हो जाता है। एडजस्टेबल की बात करें तो आगे और पीछे कर सकते हो, और रिक्लाइन एंगल भी इसका आप एडजस्ट कर सकते हो। अब चलिए गाड़ी के अंदर चलते हैं, गाड़ी के अंदर चलकर गाड़ी की बात करते हैं। अब ना मैं आपको इसके गाड़ी का देखो थर्ड सुनाता हूँ। देखो मजबूत गाड़ी जो होती है ना वो मतलब कैसी होती है, कितनी ज़बरदस्त होती है। ये देखिए आप सुनिए ज़रा इसका थर्ड सुनिए, मैं बंद कर रहा हूँ। मतलब देखो आप 5-स्टार रेटिंग भाई, इधर ही अपने को समझ में आ जाती है कि 5-स्टार गाड़ी है ना वो कितनी सेफ, मतलब कितनी सेटिस्फाई फीलिंग है इसके अंदर। ये इसका हैंडल है, हैंडल के अंदर आपको मिलते हैं, इधर कोई कंट्रोल नहीं मिलता, इधर आपको कंट्रोल मिलते हैं जिसके अंदर आपको म्यूजिक सिस्टम कंट्रोल करने के सिस्टम बटन्स दिए गए हैं, और वॉल्यूम अप एंड डाउन के दिए गए हैं, और फ़ोन काटने और उठाने के लिए बटन दिए गए हैं। टाटा पंच के हॉर्न की बात करें ना तो इसके हॉर्न को आपको बजाने के लिए यहाँ पर दो जगह लीवर दिए गए हैं, इस साइड से और साइड से। इसमें क्या सेफ्टी का बहुत ध्यान रखा गया है, क्योंकि अगर आप यूं चलाते रहते हो और यहाँ पे फिर आकर दबाते हो तो वो एक सेफ्टी में आपको प्रॉब्लम आएगी, जिसकी वजह से आपको इन दोनों तरफ में आपको हॉर्न दिया गया है। सिंगल हॉर्न है और पीपी करने वाला सिंगल हॉर्न है, जो कि बहुत ही अच्छा है। आप अपनी तरफ से डलवाना चाहे तो आप डलवा सकते हैं। और ये इसकी चाबी है, जो कि हम चलिए गाड़ी को स्टार्ट कर लेते हैं। ये देखो आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, ये ना ये देखो इल्यूमिनेटेड है, यानी कि अगर आप रात में भी कहीं पर हो जहाँ पे बिल्कुल भी रोशनी नहीं है, वहाँ पर अगर आप चाबी लगाना चाहो तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी, बिकॉज ये इल्यूमिनेटेड है, ये ना एकदम लाइटिंग है इसके अंदर, जिससे आपको चाबी लगाने में कोई दिक्कत नहीं होती। चाबी को चलिए लगा देते हैं और अब हम इसकी MID देखते हैं। MID की बात करें तो इसके अंदर आपको एनालॉग दी गई है और बीच में आपको MID मिलती है। ये देखिए ये है इसकी स्पीडोमीटर। इसके बाद हम बात करते हैं इसके बाकी सब चीज़ों की। तो देखिए यहाँ पर आपको मिलता है ये देख रहे हो आप, ये बटन, ये जो ना इसका इकोनॉमी ड्राइव मोड और नॉर्मल ड्राइव मोड पे आप इससे इसको स्विच कर सकते हो। ठीक है, ये देखो यहाँ पर जैसे ही मैंने दबाया यहाँ पे इकोनॉमी ड्राइव मोड लिखा हुआ आ गया, देख रहे हो। अब मैं जैसे ही दोबारा दबाऊँगा तो देखिए आप सिटी ड्राइव मोड एक्टिवेटेड। यह है इसका ऑटो स्टार्ट एंड स्टॉप का बटन, जिससे कि आप अपने ट्रैफिक में रहते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ये इसका IRBM है, ये इसकी लाइट है जो कि हेलोजन है, और ये जो है ना इसमें आपको यहाँ पे किसी भी प्रकार की कोई जगह नहीं दी गई, ना कोई मिरर दिए गए। इस तरफ की बात करें तो यहाँ पर आपको मिरर मिलता है, या आपको ग्रैप हैंडल मिलता है, और ग्रैप हैंडल आपको इस तरफ साइड से बात नहीं मिलता। एयरबैग दिया गया है और यह है इसका गियर लीवर। देखो गियर लीवर की बात करें ना तो गियर लीवर इसका मतलब स्मूथ है, बहुत ही स्मूथ है, नॉट अ बटर स्मूथ बट स्मूथ है, बहुत मतलब वेरी स्मूथ, बिकॉज ये टाटा की किसी और गाड़ी से बहुत ज़्यादा स्मूथ है। ये इसका हैंड ब्रेक है, यहाँ पर कप होल्डर मिलता है, और यहाँ पर देख रहे हो ये जो जगह है ना यहाँ पर, ये देखो निशान दिया गया है। ये क्या है कि इससे आप मतलब अपनी चाबी जब यहाँ पर रखोगे ना तो वो चाबी यहाँ पर चार्ज होती रहेगी। बाकी सब चीज़ें की बात करें तो ये देखिए यहाँ पर जो है ये आपको कुछ स्पेस मिलता है। इसके अलावा यहाँ पर आपको USB पोर्ट मिलता है, ये 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट भी मिलता है। इसके अलावा ये जो है ना ये फुल्ली ऑटोमेटिक AC दी गई है इसके अंदर,
और ये जो कंट्रोल है ना, ये जितने भी कंट्रोल है, ये इसकी जो MID, ये जो सॉरी म्यूजिक सिस्टम, इसको कंट्रोल करने की दी गई है। ये इसकी टिकटॉक स्टार्ट हो जाती है और ये इसके AC वेंट्स हैं। और ये जो है ना, ये देखिए, ये इसका है ग्लब बॉक्स, जो कि सेगमेंट में सबसे बड़ा है। इसका ग्लब बॉक्स यहाँ पर आपको एक ट्रे मिलती है और ये ग्लब बॉक्स ना कूल्ड है, ठीक है। और वही सब चीज़ें इधर मिलती है। ये इसका पावर विंडो का बटन, लीवर, म्यूजिक सिस्टम, और इसके अलावा इसके अंदर और क्या। हम इसके अगर इसकी एसी की बात करें तो इसकी एसी बहुत ही मतलब ऐसे ज़बरदस्त है, ठंडी, एकदम ठंडी एसी है इसकी। मतलब टाटा की एसी के बारे में कहा भी जाता है कि टाटा की कार की जो एसी होती है ना, वो बहुत ही बढ़िया होती है दूसरी किसी भी कंपनी की वजह से। और सेफ्टी में तो है ही टाटा अव्वल, उसमें तो फिर कोई दोराई है ही नहीं। चलिए इसका बूट स्पेस और आपको मैं दिखा देता हूँ। चलिए बात कर लेते हैं बूट स्पेस की। तो इसका जो बूट स्पेस है ना, आपको नेक्सॉन से भी ज़्यादा बड़ा मिलता है और अल्ट्रोस से भी ज़्यादा बड़ा मिलता है, बिकॉज ये उनसे नीचे सेगमेंट की गाड़ी, फिर भी आपको ना इसमें ज़्यादा बूट स्पेस मिलता है। और यहाँ पर इसका ना एक ये देखो, ये इसके लिए बटन दिया गया है इसको बूट खोलने के लिए, यहाँ पर देख रहे हो ना, इसको दबाते हैं बूट खुल जाता है। और ये है इसका 366 लीटर का बूट स्पेस, ये इसकी है पार्सल ट्रे। और ये यहाँ पे ना इसके हुक दिए गए हैं जिससे कि ये जो ट्रे है ना, ये अपने आप ऐसे ऊपर हो जाती है पूरी तरीके से। ये जो बूट स्पेस है ना, इसका पूरा फ्लैट एकदम, सामान मिलने में कोई परेशानी नहीं होगी, पूरा कवर्ड है। और इसके नीचे आपको मिलता है स्पेयर व्हील, और इसकी जो ये है स्पेयर किट मिलती है आपको साथ में। ये इसका स्पेयर व्हील है जो कि आपको स्टील रिम में ही मिलता है नॉर्मली, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इसकी इंजन की। इंजन जो है ये आपका यहाँ से देखो, यहाँ से खुलता है। और इंजन खोलने के लिए आपको यहाँ से, सॉरी मैं आपको बताने का भूल गया था, यहाँ पे भी आपको एक स्पेस दिया गया है ड्राइवर के लिए। इंजन खोलने के लिए यहाँ से ऐसे प्रेस करो और इंजन वे है जो खुल जाता है। यह रहा इसका इंजन वे। अब देखो इसको उठाने में कितना मुझे मशक्कत करनी पड़ेगी, बिकॉज 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग वाली कार है भाई, ऐसे थोड़ी ना है। ये इसका है 3 सिलेंडर का इंजन जो कि आपको माइलेज दे देता है 19 की, और मुझे लगता है ये हाईवे पर 19 से भी ज़्यादा दे देगा इकोनॉमी के अंदर। और इसका जो देखो, ये जो लिड है ना इसका, ये बहुत ही भारी है, मतलब बहुत ज़्यादा ही भारी है, ठीक है। अभी इसका जो ये इसका 3 सिलेंडर इंजन है और ये इसकी बैटरी है। तो ये है इसका इंजन वे, बहुत ही भारी है, बिकॉज सेफ्टी जो इसकी है ना बहुत ही ज़बरदस्त है इसकी, 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग के साथ आती है ये। टाटा की जो ये गाड़ी है ना, ये भारत में किसी और गाड़ी से या इनकी खुद की कोई भी और गाड़ी उनमें सबसे सेफ, हाईएस्ट स्कोर किया है इसने ग्लोबल एनकैप में। ये देख रहे हो इसके चारों पाँचों डोर ओपन करने पर क्या लगती है ये, मतलब हैरियर है भाई, मिनी हैरियर बोल सकते हो आप इसे। और 90 डिग्री इसके डोर ओपनिंग है, जो कि आपके घर में कोई बुजुर्ग है या कोई भी ऐसे इंसान है जिससे उठने और बैठने में प्रॉब्लम होती है, उनके लिए ये बहुत ज़बरदस्त है, बैठने उठने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। ये देख रहे हो पूरी गाड़ी एकदम ज़बरदस्त तरीके से डिज़ाइन की गई है। डोर जो इसकी डोर ट्रिम है ना, ये मुझे बहुत ज़बरदस्त लगती है इसकी, और डोर ट्रिम इसलिए ज़बरदस्त लगती है क्योंकि डिज़ाइन बहुत अच्छे तरीके से किया गया है। और इसके अंदर कोई मतलब ऐसी पैनल गैप या कोई इनकंसिस्टेंस नहीं है, बहुत ही ज़बरदस्त मतलब है ये, इसके फिट एंड फिनिश लेवल बहुत ही प्यारे हैं, ज़बरदस्त है। तो कैसी लगी आपको टाटा की पंच? कोई भी बात हो, कोई भी मन में सवाल हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए किसी भी आपकी कोई बात हो या कोई आपके मन में सवाल हो। तब तक के लिए जय हिंद।